है कि सबको शोध कराना चाहता हूँ, और ये मेरा आप लोगों से सबसे वादा है कि मैं पहले किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहना चाहता कि किसी ने गलत किया या सही किया। हर एक अपने हिसाब से फैसला करता है कि टीम आज के बाद जब भी सिलेक्ट होगी वो मेरिट पर सिलेक्ट होगी। कोई सूरत नहीं है कि किसी का कोई ग्रुप का, कोई लॉबिंग का, कोई फलां की मर्जी का, फलां की मर्जी का, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। और ये मैं आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कोई अगर समझते हैं कि मेरी बारी पाकिस्तान टीम में 4 साल बाद आएगी, नहीं, आपकी बारी अगली दफ़ा भी आ सकती है। ये बिल्कुल नहीं है कि उसको कहा जाए कि नहीं आप अच्छा खेलते हैं लेकिन अभी आप ठहरने जगह नहीं है। ये नहीं होगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे होंगे डेफिनेटली। जो हमारे मेन बैट्समैन और बॉलर्स और प्लेयर हैं हमारे, वो हमारे स्टार हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट भी देनी है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको भी अच्छा खेलना है। और डेफिनेटली अप्स एंड डाउन आते हैं, उसमें हम साथ खड़े होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इनसे बात कर ली है कि टेक्निकल सिलेक्शन कैसे करनी है, और कोई एक बंदे की कहीं भी मुझे आवाज़ आ गई तो मैंने इनको कह दिया कि पूरी पूरी सिलेक्शन टीम कर जाएगी, उसमें कोई लिहाज नहीं होगा। तो आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं एक चीज़ से मुतमइन हो जाए कि आप सारे क्वालिफाई करते हैं, सारे लोग हर तरीके से, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं आप पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। पहली चीज़। दूसरी, मैं आपको एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ बुरी लगे। हम सारे के सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं। मैं किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने पैसे नहीं कमाने या आप लोगों ने, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहूँगा नहीं, आप लोग तो हर तरह से हर तरीके से कुर्बानी, तो हमने कुर्बानी नहीं देनी, सिर्फ आपने देनी है, ये मैं कभी नहीं कहूँगा किसी को। लेकिन मैं छोटी सी मिसाल से आपसे शुरू कर रहा हूँ कि अभी 1 साल पहले मुझे जब सीएमशिप का ऑफर हुई, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ, मैंने अपना काम छोड़ा, और बल्कि मुझे अपना खर्चा करना पड़ा, सारा कुछ करना पड़ा। लेकिन एक ख्वाहिश थी रिप्रेजेंट करने की, कुछ करने की, वो कुर्बानी देनी पड़ी। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये है कि मैं आप लोगों का साथ 100% दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी दे दें, उसको सेकंड प्रायोरिटी दे दें। मैं किसी सूरत किसी को नहीं कह रहा हूँ कि अपना जो आपकी अर्निंग है उसको कम करना, लेकिन प्लीज़, दुख होता है जब अर्निंग पहले मिल जाती है और पाकिस्तान बाद में चला जाता है। वहाँ पे मेरा आपका थोड़ा सा मसला होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी सपोर्ट करेंगे, मैं चाहूँगा कि आप अर्निंग करें। मैंने अभी और भी चीज़ की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम और देख लेते हैं, अगर आप लोगों को वहाँ पे कमी है मैं और ज़्यादा उसको बेहतर कर लेता हूँ। लेकिन प्लीज़, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए सबसे पहले, उसके बाद बाकी जो मर्जी हम करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। एक और चीज़ जो अगर मैं ना खत्म कर सका तो मेरा ख्याल है कि मैं जितनी देर भी यहाँ रहूँगा मैं अपने आप को सुन लूँगा कि मैं एक नाकाम सा चेयरमैन आया था और होकर चला गया। वो है पॉलिटिक्स, उन 11 खिलाड़ियों, एक
पॉलिटिक्स आपस में नहीं खत्म कर सकते, 11 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, तो मैं तो अपने आप को नाकाम समझूंगा। उसके लिए क्या करना है, किस तरह करनी है, उसके लिए मुझे किस तरह काम करना पड़ेगा, मैं हर वक्त हाजिर होगा और मैं करूंगा। उन 11 बंदों को इकट्ठा जरूर करना है, क्योंकि जब इकट्ठे होके जाएंगे तो हम हर चीज कर सकते हैं। मेरी रात की इन लोगों से डिस्कशन हो रही थी, कोई गम नहीं कि मैच हारे, कोई नहीं आपको पूछेगा, लेकिन फाइट करके हारना है। अगर पिछले तरह जिस तरह अभी हार गए हैं वो वाली हार गए, फाइट करके हारे कोई बात नहीं, कौम भी कबूल करती है, हम सब भी कबूल करेंगे, लेकिन जब बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं तो फिर आपको पता है इस कौम से मोहब्बत भी बहुत मिलती है और बुरा भला भी जितना ये कहती है कोई भी नहीं कह सकता। तो पॉलिटिक्स हमें ख़त्म करनी है, कैसे करनी है ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं काम बेहतर जानता हूँ, लेकिन अगर हम सब गोल और इकट्ठे हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसके लिए सेशन लगाएंगे, बैठेंगे, डाटा गप लगेगी, सारा कुछ होगा, और जो पॉसिबिलिटी आपको किसी किस्म के काम में चाहिए होगी वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। फिटनेस, मैं लाहौर में जब मैचेस आपके देख रहा था, मुझे नहीं पता स्टेडियम से बाहर कि आप में से किसने सिक्स रन जो है वो एक आधा कोई जी स्टेडियम से बाहर मतलब जंगले तक एक आधा छक्के मारे, दो चार जो बाहर जाता था मैं कहता था ये तो बाहर का गोरा है, उसके लिए हमें क्या करना है। हमारी मैंने इनके साथ कहा कि पूरा प्लान बनाए बैठे, सारे लोगों की फिटनेस कैसे पूरी करनी है, कहाँ कहाँ क्या कमी है, उसके लिए पूरी हम वर्किंग करेंगे आपके साथ, बट आपको भी उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, उसके बाद आयरलैंड है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद USA है। मैंने इनको कहा भाई इनके लिए ट्रेनिंग का टाइम कहाँ है, किस टाइम पे करेंगे, थोड़ी सी तो आप इनको इकट्ठा करके सारा कुछ करें, तो बीच में कोई टाइम नहीं था। फिर हमने निकाला है, हमने काकूर में आप लोगों का कैंप रखा है 25th से लेके 6-7 तक, ईद से पहले पाकिस्तान आर्मी आपके साथ मिलके करी और होपफुली बहुत सारी चीज़ों में वो आपको वगैरह ट्रेनिंग सारा कुछ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के साथ मिलके करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए एक मैसेज दूँ, मेरा कोई हाँ कहीं पे अगर मीटिंग चल रही है तो एक अलग बात है, बट आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी अपना इशू एड्रेस कर सकता है, और आपकी कोई सजेशन है, कोई कंसर्न है, कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि होनी ज़रूरी है, मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा कोई ये नहीं होगा कि ये चेयरमैन है तो इसको मिल नहीं सकते, इसको मेरा शुरू के थोड़े से दिन में प्रॉब्लम था बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ज़्यादा थी, अभी भी अगर हुई आप लोगों को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे, और मैं जहाँ पे भी जिस जगह पे भी बैठाऊँगा आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, अगर किसी ने मिलना है कोई चीज़ करनी है डेफिनेटली आप सबके लिए अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। अभी क्रिकेट के लिए हमारा बहुत सालों से क्रिकेट अकेडमी का इशू चल रहा था, जो आपकी लाहौर वाली है उसको हमने फिक्स किया है, गुजरांवाला और फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम हमने टेक ओवर किए हैं अभी नए, पिंडी लाहौर और कराची के स्टेडियम्स की रीवैम्पिंग अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकम्मल कर लें। दो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हैं फैसलाबाद और सियालकोट के वो हमने टेक ओवर किए हैं। कोचिंग स्टाफ आप लोगों का
चल रही है दो तीन जगह पे, कोशिश मेरी पूरी होगी कि बेस्ट कोचिंग स्टाफ आपको अवेलेबल कर सकें। पीसीबी ने इनको मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है, पीसीबी ने पैसे भी पे नहीं करने कि मेरे पास पीसीबी में इतने बैलेंस छोड़ गया हूँ कि मैं इतने अरब रुपया पीसीबी में छोड़ गया हूँ। पीसीबी के जितने पैसे ये आप पे लगने या निचले ग्रासरूट लेवल से लेके आप लोगों तक लगने, मैंने पैसे कोई इकट्ठे नहीं करने देने इनको। जो पैसे होंगे वो आपके ऊपर लगेंगे, आपके ऊपर स्पेंड होंगे, चाहे वो फिटनेस के लिए हो, चाहे वो कोचेस के लिए हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो। ये नहीं है कि जी पैसे कमाओ और जमा करके रखो, कोई फायदा नहीं उसका। आखिरी चीज, एक चीज मैं शोर कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी। एक दफा हम सारी चीजें सेट कर दें, आप ट्रैक पर चढ़ दें, स्टेबिलिटी मिलेगी। बिकॉज हम सबकी कोशिश यही है कि आपको पता हो कि आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो आगे क्या फ्यूचर है। मुझे और मेरी टीम को पता हो कि ये बंदा ए स्टार है तो इसके लिए हमने क्या करना है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है हमने। खाली ये नहीं कि अच्छा ठीक है अभी किया और उसके बाद उसको काफ़ी अच्छा नहीं, वो प्रॉपरली हम बैठेंगे। इस टाइम तो सारी चीज़ों की फाइनल चीज़ें हो रही हैं, कुछ हफ्ते में, कुछ 10 दिन में, कुछ 15 दिन में फाइनल हो जाएंगी, लेकिन वो आपके पास एक पूरी प्रॉपर पॉलिसी आएगी और उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी सारी चीज़ की। अब रहेगी बात मेरा और आपका मिशन क्या है, हमारा सबका। अगर मैं एक दफ़ा नहीं कहूँगा, आप सब लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें जीतना है, मेरी ख्वाहिश क्या है हमें जीतना है। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, करना कैसे है, कर सकते हैं हम, कोई ये नहीं पॉसिबल कि ना कर सकते हैं, हमने करना कैसे वो हमें देखना है, वो मिल बैठ के देखना है। आप लोगों को आखिर में फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी ग्रुप में होना है। बाखुदा मैं आपको कह रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए आपको ये नहीं करना कि मैंने टीम में जाना है तो मुझे फ़लाँ बंदे के ग्रुप में होना पड़ेगा या मुझे फ़लाँ बंदे की गुड बुक्स में होना पड़ेगा या मुझे फ़लाँ चीज़ होनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को इस तरह की चीज़ नज़र आए, आपने सिर्फ मुझे मैसेज करना और कुछ नहीं करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलियाज भी हूँ। बदलियाज सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेंट मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, वो फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। उस लिहाज से आप लोगों को 100% गारंटी होनी चाहिए।